पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे डिलीवरी के बाद बहुत जरूरी है वजाइनल हेल्थ का ध्यान रखना। तो आइए शुरू करते हैं। मां बनना एक महिला की जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी होती है। इस दौरान महिलाओं के शरीर में कई बदलाव आते हैं। इन बदलावों में ज़्यादातर बदलाव साधारण होते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन पर समय से ध्यान देना जरूरी होता है। प्रेगनेंसी में जितना जरूरी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना है, उतना ही जरूरी है वजाइनल हेल्थ पर ध्यान देना। डिलीवरी के बाद वजाइना ढीली पड़ जाती है, ऐसे में वजाइनल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए डिलीवरी के बाद वजाइनल हेल्थ पर खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है। डिलीवरी के बाद वजाइनल हेल्थ का ख्याल कैसे रखें? तो सबसे पहले है साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है आपको। आमतौर पर डिलीवरी के 4 से 6 महीने सप्ताह बाद ब्लीडिंग होती रहती है। इस दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। डिलीवरी के बाद शुरुआती दिनों में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, ऐसे में समय समय पर पैड चेंज करना और योनि की सफाई करना सबसे जरूरी है। अगर हाइजीन को नज़रअंदाज किया जाए तो ये इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। ढीले कपड़े पहने, टाइट कपड़े स्किन इन्फेक्शन और एलर्जी का समस्या पैदा कर सकते हैं। इसके कारण वजाइनल हेल्थ को काफ़ी नुकसान हो सकता है, इसलिए डिलीवरी के बाद शुरुआती महीनों में केवल ढीले कपड़े ही पहने। सिकाई जरूर करें। डिलीवरी के बाद वजाइनल की सिकाई करना आपको काफ़ी राहत दे सकता है। सिकाई करने के लिए टब में गुनगुना पानी भरकर उसमें थोड़ा एंटीसेप्टिक ऑयल मिलाएं और 10 मिनट 15 मिनट तक सिकाई करें। इसके बाद आप किसी जग में गुनगुना पानी लेकर के प्रभावित क्षेत्र की सिकाई कर सकते हैं। ऐसा करने से, दो बार करने से काफ़ी राहत मिलेगी। दिन में कम से कम 2 बार आपको करना है। शारीरिक गतिविधियां ज़्यादा ना करें। डिलीवरी का पूरे शरीर पर फिटनेस असर पड़ता है। इस दौरान शरीर पहले से ज़्यादा कमज़ोर भी हो जाता है। इस कारण बहुत ज़्यादा या तेज़ी से एक्सरसाइज करना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए डिलीवरी के बाद शुरुआती के दिनों में इस एक्सरसाइज को स्किप करना चाहिए। शारीरिक संबंध से दूरी बनाएं। डिलीवरी के बाद शरीर को रिकवरी करने में समय लग जाता है, ऐसे में शरीर संबंध बनाना महिला के शरीर को कमज़ोर बना सकता है। इसलिए कम से कम डिलीवरी के बाद कम से कम 3 महीने तक शारीरिक संबंध बनाने से परहेज करना चाहिए। खान पान का रखें विशेष ख्याल। डिलीवरी के बाद शरीर को काफ़ी कमजोरी हो जाती है, इसलिए इस दौरान खान पान पर ध्यान देना जरूरी होता है। ऐसे में तला भुना मसालेदार चीज़ों का सेवन सेहत को नुकसान पहुँचा सकता है। वहीं शारीरिक गतिविधि ना होने से पाचन भी खराब हो सकता है, इसलिए डिलीवरी के बाद बैलेंस डाइट लेना, जिससे शरीर को पोषक तत्वों की सही मात्रा मिल सके, ये बहुत जरूरी है। कि अगर डिलीवरी होने के बाद आपके शरीर की आधी ताकत निकल जाती है और उस ताकत को पाने के लिए आपको अच्छा खाना खाना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा वीडियो आज का। आपको कैसा लगा अब बताएं और कमेंट करके बताएं। दूसरा कुछ जानना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने के लिए और फिर अपलोड करने के लिए। धन्यवाद।